जय श्री राम भाई लोग। तो कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी सारे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से बड़ा नाखुश हैं। मुझे नहीं पता क्यों नाखुश हैं। 4 मैचेस में 21 पॉइंट्स निकाले हैं, पहला दिन था। और अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो मुझे तो लगेगा कि भाई ठीक है, बढ़िया तो खेला है। नो डाउट ओजी ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल दिया, पर ऐसा नहीं है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने बहुत ज्यादा खराब खेल दिया हो। मुझे लगता है अभी भी वो टॉप 3 फिनिश कर सकते हैं बहुत आराम से। ऐसा नहीं है कि मैंने वो ट्वीट डाला था कि जी का कॉन्फिडेंस देखते हुए लगता है कि शायद वो लोग फाइनल्स जीत जाएं, उसकी वजह से थोड़ी ना वो 8th प्लेस पर हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि टॉप 3 में वो आसानी से पहुंच जाएंगे। शुरुआत अच्छी है, 21 पॉइंट्स ठीक ठाक हैं, पर बाकी और भी 8 मैचेस हैं, वहां पर वो ऊपर जा सकते हैं। ऑब्वियसली आज रीड कर कर आए होंगे, जा सकते हैं। जी वाले इतना पीछे होने के बाद भी चिकन ले गए भाई, सोचने वाली बात तो है। आकलिन ने अच्छा खेला, और जो लोग आकलिन को इतना ट्रोल कर रहे थे कि तू फिनिशेज नहीं निकाल रहा है, ये नहीं निकाल रहा है, वो नहीं निकाल रहा है, अरे हमेशा फिनिशेज निकालना ही टीम को आगे ले जाने के लिए जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पर आकलिन का वो गाड़ी के पीछे कवर में रह के शॉट्स मारना, वो खतरनाक था। नूप टीम बोला श्लोक, सुना नहीं मैंने, बोल भी सकता है ठीक है, जोकिंगली बोला। हाँ वो फर्क नहीं पड़ता है, वो हेट सीजीवीजी को कुछ बोलेगा तो हेट नहीं मिलेगा उसको, टेंशन नहीं है। सीजन 1 में तुम्हारे नाम ने ट्रॉफी उठाई थी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, सीजन 3 यू आर रेडी टू कैरी दैट लेगेसी। ये आदमी तो पहले ही गिल्ट में डाल रहे हैं, बोले नहीं आई तो तुम्हारी गलती है। गिल्ट में डाल रहे हैं। बट आर यू रेडी भाई, इस लग अगर सेकंड आया रोयो मत यार, सेकंड नहीं आएंगे इस बार। बट आर्कलिन, व्हाट डू यू थिंक, टीम को लीड करते करते क्या सीखा है मावी भाई से अलग? मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज मावी भाई इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडियल। व्हाट डिफरेंट डू यू ब्रिंग टू द टीम व्हेन यू आर आइडियलिंग? हमारी अच्छी सिनर्जी है पहले से, तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो हम पहले से स्टार्टिंग से खेलते हैं वही फॉलो करके खेल रहे हैं, और जो टीम का गेम बना हुआ है उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा अभी फैल के ज़्यादा खेल रहे हैं मैप में, वो सब चीज़ें ज़्यादा हैं, थोड़े स्प्लिट्स होते हैं। मतलब 50% तो नहीं, पर 30% एरिया कवर करके खेलने वाला टारगेट है मैप जोन में, ताकि अपने बैक क्लियर रहे और आसपास का हमारा हमारे अपोजिट टीम्स हो, ना कि हमारे आसपास टीम्स हो, तो वो हमारा टारगेट है। ऑल द बेस्ट बॉडी।